प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1967 गुरुवार को पांचवें पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो बाप तुम बच्चों को उन धर्म पिताओं के मुकाबले लाख गुना करोड़ गुना पदम गुना सुख देते हैं, ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। क्यों भूल जाते हो? भूल तो जाते हो ना, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए बाप जो कहते हैं कि कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल के समान नहीं रहते, बुद्धि चिपक जाती है देहधारियों में, बीवी बाल बच्चों में चिपक जाती है। तो भला वो जो स्त्री और जो पुरुष एक दो को उस भाव से ही शादी किया, उस भाव से ही विकार में गए, वो एक दो को वो कुदृष्टि से न देखें, ये बड़ी मेहनत है, मेहनत है ना बच्ची। तो जो जो आज्ञाकारी होते हैं वो बच्चे तो पुरुषार्थ कर करके तो बाप कहते हैं, भाई जम दे कोई जाम दे तो नहीं होता है क्या? हथेली पे आम उग आएगा तुरंत का तुरंत और फल देने लगेगा? अरे फट से, मेरे कहने से कोई फट से नहीं बन जाते हैं ऐसे। कैसे? जो गीत गाते हैं, है मैं आटमा तुम हो आटमा आपस में भाई भाई, बन जाते हैं, बन जाते हैं इसे भाई भाई? नहीं, फट से थोड़ी समझना पड़ता है, अपने को ज्योतिबिंद रूप में देखना पड़ता है भ्रकुटी के मध्य में। तो भले समझो यही है पहले नंबर वाला, क्या समझो यही माने कौन कौन यही है? भले समझो यही ब्रह्मा है पहले नंबर वाला, ऐसे समझ लो, तो भी बाप फिर समझाते हैं, मेरी मैं तुमको बताऊं, मैं सबसे पिछाड़ी में मेरी ये जो आईज होती है ना, क्या आंखें जिसको कहा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मैं और मेरा जो दूसरा बिचारी वो माता में माला में दाने भला, वो पिछाड़ी में आकर के कर्मातीत अवस्था होती है शरीरधारी की, जिस मुकर रथ में मैं आज से अंत तक पार्ट बजाता हूं। जब शरीर छोड़ता है, देह का लगाव छूटता है, हा तब ऐसी कर्मातीत अवस्था होती है, तब तलक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। देह के अर्थ छोड़ते जाओ, पुरुष के अर्थ आत्मा के अर्थ करते जाओ, तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंधियों की ताकत से, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ बढ़ता रहना चाहिए, नहीं तो पुरुषार्थ बंद कैसे होगा? अरे पुरुषार्थ बंद हो जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था है, समझ लो आ गई, क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत ना रहे, पूरा हो गया तो कर्मातीत अवस्था आ गई। जब कर्मातीत अवस्था आ गई तो
तो फिर याद स्वरूप 24 घंटे के लिए बन जाएगा कि याद करनी पड़ेगी है। शंकर जी को कहते हैं याद में बैठे हैं, याद में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि अपने से ऊंचे को ही याद किया जाता है ना, तो पुरुषार्थी है कि पुरुषार्थ संपन्न हो गया, पुरुषार्थी है तो कर्मातीत अवस्था तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, परंतु कर्मातीत अवस्था नहीं आती है इतनी जल्दी, ये पक्का समझो, ये इम्पॉसिबल है। क्या कि जम दे जाम दे हथेली पर आम दे, ये बाबा वो भी पिछाड़ी तक, ऐसे नहीं कह सकेंगे कि मेरी कौन वो भी, वो मुकर्रतधारी बाबा। क्या ये दादा लेखराज ब्रह्मा तो मुकर्रर रथ नहीं कहेंगे, इनका तो रथ बीच में ही खलास हो जाता है। तो वो भी पिछाड़ी तक ऐसे नहीं कह सकेंगे कि मेरी नहीं, कहां कहां जाएंगी है। ये इंद्रियां, ये जो मन है, ये जो आंखें हैं, वो कहां कहां जाएंगी, विचरण करेंगी, यानी इस पुरानी दुनिया में कहां न कहां किसके तरफ में जरूर जाएंगी, समझे ना। क्योंकि कर्मातीत अवस्था जब हो जावे तब पास विदानर हो जाएंगे। या पास विदानर माने ऐसे पास कि धर्मराजपुरी से गुजरते समय उनको धर्मराज भी सर नवा के टाटा करेगा। क्या उनको कोई भी धर्मराज भी दंड नहीं दे सकता, पास विदानर। अभी सो तो पिछाड़ी की बात होगी, अभी की तो नहीं हो सकती। नहीं, अगर होवे इसके आगे तो शरीर तो छोड़ देवे, परंतु नहीं। बाप समझाते रहते हैं कि नहीं, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भले ये दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर छूट जावेगा तो भी क्या होगा, पुरुषार्थ तो आत्मा का बंद हो गया, क्योंकि अपना शरीर ही रहा नहीं, रहा सूक्ष्म शरीर धारण कर देते हैं, तो बहुत भटकना पड़ता है। तो बच्चों को बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत है किस बात की, सबसे बड़ी मेहनत किस बात की है, अपन को आत्मा समझो। सो भी यथार्थ बाबा कहते हैं है, क्या जैसा अर्थ है वैसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कोई गपोड़ा तो नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि तुम तो आत्मा ही हो ना, देह तो नहीं हो ना, नहीं हो ना बराबर आत्मा। और जब वहां थे घर में आत्मलोक में, तो आत्मा ही थे ना, कि वहां देह थी नहीं थी। तो जब आत्मा थे तब तुम पावन थे, पावन धाम में थे है? अब इस दुनिया में जब से ये आत्मा आती है, पार्ट बजाती है, तो ये दुनिया को, ये दुनिया नीचे जाने वाली दुनिया है या ऊपर जाने वाली दुनिया है? ये दुनिया तो अधोमुखी दुनिया है। क्या किससे पैदा हुई, जो अधोमुखी ब्रह्मा है ना चार ब्रह्मा जो संगठित रूप में दिखाए जाते हैं, वो अधोमुखी हैं, इनका मुख नीचे की ओर है, तो ये नीचे ही जाते हैं और खुद जाते हैं, और साथ साथ जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी नीचे।
चाहे माई बाप ही क्यों न हो। सोलह कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा, राधा वाली आत्मा जो सोलह कला संपूर्ण सतयुग में जन्म लेती है तो इतना प्यारा बच्चा होता है कि माँ बाप को भी क्या आकर्षित करता है कि नहीं। हाँ बहुत आकर्षित करता है। तो देखो जब घर में थे कहाँ, परम ब्रह्मलोक में थे या ब्रह्मलोक में थे तो पावन थे। वहां तो कोई पतित रह ही नहीं सकते हैं। क्या रह सकते हैं? नहीं, जा भी नहीं सकते हैं। जब तक पावन आत्मा न बने तब तक ब्रह्मलोक में जा ही नहीं सकते हैं। अगर पतित जगह हो तो ये सन्यासी इतना सा मुक्ति 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 को क्यों क्यों बेचारे इतनी मेहनत करें? पावन जगह है ना ब्रह्मलोक। हाँ तुरीयालोक है, मुक्ति के लिए तो ये मेहनत है, इन सब की मेहनत है। किन सब की? ये जो भी धर्म पिताएं हैं या जो भी सोलह कला संपूर्ण देवताएं हैं, है कलातीत की बात नहीं बता रहे, कलातीत तो तुम बच्चे बनते हो, लेकिन बाकी जो भी आत्माएं हैं हाँ इन सब की भारी मेहनत है। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते भी नहीं है। क्या कि जीवन मुक्ति क्या होती है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल में जीवन में रहते रहते ऐसा पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते। क्या दादा लेख राज ब्रह्मा और उनको फॉलो करने वाली 500-700 करोड़ वो आत्माएं जो 4.5 लाख कम कर दो उनमें से, है जो बीज रूप आत्मा है उन्हें निकाल दो, तो वो जो 4.5 लाख कम 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो जीवन मुक्ति को जानती हैं कि जिस जीवन में पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके संपन्न बनते हैं आत्मा तो कैसी जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन में भी रहें, शरीर में भी रहें और दुख दर्दों से परे रहें, चाहे कयामत बर्पा होती रहे तो भी उनके शरीर को कोई कष्ट कष्ट नहीं मिल सकता। वो तो जानते ही नहीं है, क्योंकि है ही है, क्या है वो सब सन्यासी हैं। सन्यासी माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। किसके त्यागी? प्रवृत्ति मार्ग की त्यागी। जो बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनाते हैं, पक्की पक्की अतीन्द्रिय सुख वाली विष्णु लोक है, वो प्रामिनेंट क्या बनते हैं? सन्यासी बन जाते हैं, उस दुनिया को छोड़ देते हैं। क्या पहले ही शरीर छोड़ देते हैं, संपूर्ण आत्मा बनते ही नहीं, देहभान त्यागते हैं है? वो भी धर्मी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले या जो भी देव आत्माएं हैं वो जानते हैं इस बात को कि शरीर में रहते रहते हम सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे। और इसी दुनिया में, इसी जन्म की बात है, इसी जन्म में पुरुषार्थ करके हम अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। तो वो तो ये सबसे मुख्य हैं प्रामिनेंट सन्यासी। उनमें मुख्य नंबर कौन सा है सन्यासी? अव्वल नंबर सन्यासी कौन है? कौन है सन्यासी अव्वल नंबर? जो लक्ष्मी है तेरा भला, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती है। अम्मा अम्मा चिल्लाता रहता है, अम्मा की पार्ट को जानता ही। भीष्म है, अच्छा भयंकर है, जो भयंकर प्रतिज्ञा लेता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। शंकराचार्य है,
8 साल की उम्र से उन्होंने घर बार छोड़ दिया, अम्मा को छोड़ दिया, शादी नहीं, जीवन भर शादी नहीं। तो भीषम प्रतिज्ञा हो गई ना, तो वो भीषम की बात नहीं है, बड़े से बड़ा सन्यासी है दादा लेखराज। अम्मा बाप को पहचाना नहीं, पहचाना ना, बिना पहचाने ही इस सृष्टि से शरीर रूपी रथ को छोड़ करके चला गया है या रह गया? हाँ चला गया। तो प्रामिनेंट सबसे बड़े सन्यासी ये हैं जो भगवान को सर्वव्यापी मानते, मेरे में है क्या, मैं कृष्ण की आत्मा, मैं गीता का भगवान, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे में है। फिर उनके बच्चे क्या कहते हैं, नहीं आ, वो भी त्रिमूर्ति का चित्र बना के बैठ जाते हैं, पोस्टर बनवाए देते हैं ऊपर, कुमारका दादी बीच में, जानकी दादी नीचे, गुलजार दादी, ये त्रिमूर्ति हो गई ब्रह्मा विष्णु शंकर की, और उनके ऊपर शिव ज्योति बिंदु दिखाई दिया। वाह भाई, ये निराकार शिव के प्रैक्टिकल साकार तीन मूर्तियां हो गई। तो सर्वव्यापी समझते हैं ना, बैठ जाते हैं, शिवो हम ब्रह्मास्मि, अरे सर्वव्यापी मान लेते हैं। अभी वो तो कभी भी राजयोग जानते ही नहीं है, जो कहते हैं कि जो भगवान है वो सर्वव्यापी है, क्या जो ऊंचे से ऊंचा शासक है, शासन करने वाला, वो क्या है, है? क्या है, सर्वव्यापी है? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते हैं बच्चे। ये सभी गपोड़े मारते रहते हैं, क्या गपोड़े है? कि भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, शिवो हम है, जांच करते हैं, गपोड़े मारते रहते हैं। तो देखो, बाप की जो वो करनी है ना, जो बाप की करनी कर्म, जो पार्ट है बाप का ना, है क्या पार्ट है बाप का, असली पार्ट क्या है, है? अरे संग का रंग लगा करके है, और पतितों को पावन बनाना, ऐसे नहीं कि कोई एक खास इंद्रिय की ही बात है, काम इंद्रिय की ही बात है, नहीं, कोई भी इंद्रिय से संग का रंग लगेगा तो पतित से क्या बनेंगे, पावन बनेंगे। तो वो पार्ट को ये जो सर्वव्यापी मानने वाले हैं, समझने वाले, ये समझ ही नहीं सकते। वो ये देखो जो सन्यासी है ना, है? देखो कितना करप्शन फैलाया हुआ है, क्या कौन सा करप्शन है, यही कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये करप्शन है बस। अच्छा, इनसे बड़े करप्टेड और दुनिया में कौन हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये शंकराचार्य भी तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे, भाई ये है सबसे बड़ा, क्या, अरे क्या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा शंकराचार्य कौन हुआ, ये भी कहेंगे, है भले चौथा है, पांचवा है, आठवा है, बीसवा है, ये शंकराचार्य की गद्दियां तो हुई ना, नंबरवार एक के बाद एक, कोई भी नंबरवार है, लेकिन ये सब कहेंगे शंकराचार्य तो सबसे बड़ा कौन हुआ, अरे अभी अभी बताया भूल गया, ये दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, ये जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनती है, ये दुनिया का बड़े ते बड़ा सन्यासी है, क्या ये माँ बाप को पहचाने बगैर ही माँ बाप को छोड़ के, शरीर छोड़ के
इस दुनिया से चला जाता है या रह जाता है? चला जाता है। तो इसके बाद फिर है सब नंबर वन। क्या 16 कला संपूर्ण कृष्ण की भी पीढ़ियां चलेंगी ना, तो सतयुग में 8 नारायण होते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड 2nd 1st 8 तक होते, तो ऐसे ही ये कृष्ण की 8 गद्दियां चलती हैं कृष्ण सहित। तो वो 8 ही नारायण जो हैं वो सब शंकराचार्य क्या हुए, भगवान बाप को जानते हैं, प्रैक्टिकल में मुकर्रर रथ को पहचानते हैं नहीं पह। अच्छा पहचाने भी तो भूत प्रेत के शरीर से पहचानेंगे, सूक्ष्म शरीर से, या अपने असली शरीर से पहचानते हैं? नहीं, भूत प्रेत नहीं, शरीर से पहचान। तो ये तो समझते हो ना कि ये भी जो सतो प्रधान थे, सो सतो से सतो प्रधान से सतो रजो तमो, अभी तो सभी तमो प्रधान है। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई मनुष्य मात्र की आत्मा नहीं है जो अभी इस दुनिया में तमो प्रधान न हो? माने फर्स्ट जो शंकराचार्य है सत्युग का, 16 कला संपूर्ण दादा लेखराज की आत्मा वो ही नहीं, उसको जो जन्म देने वाले हैं धर्म की माता और पिता को जन्म देते हैं कि नहीं, वो भी उन बच्चों के प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत देश है ही मातृ देश, यहां जो भी आत्माएं भारतवासी कही जाती हैं या भारत स्वयं भी, वो भी क्या पार्ट मुख्य बजाता है? है शिव बाप आते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? है शिव बाप को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे किस लिए आते हैं? नई सृष्टि बनाने के लिए आते हैं। है? तो जो नई सृष्टि बनानी है, उस नई सृष्टि को बनाने के लिए क्या चाहिए उन्हें? है पुरानी चाहिए? क्या पुरानी चाहिए? पुरानी दुनिया, बस जड़ दुनिया चाहिए जो भस्म होने वाली है। भस्म होने वाली पुरानी दुनिया चाहिए? हाँ ब्रह्मा चाहिए। क्या चाहिए? ब्रह्मा। और ब्रह्मा भी ऐसा नहीं जो शरीर से खलास हो जाए, है जो स्थूल शरीर है ना, जिससे पुरुषार्थ किया जाता है ना, वो शरीर ही खलास हो गया तो पुरुषार्थ तो खत्म हो गया ना। भूत प्रेतानी शरीर से कोई सुख दुख का हिसाब किताब थोड़ा ही बनता है, वो तो जिस शरीर में प्रवेश करेगा उसके द्वारा, उस आत्मा का जिस शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाएगा, उसका सुख दुख का हिसाब किताब बनेगा। तो बताया अभी सभी तमो प्रधान है। क्यों? क्योंकि जो परम ब्रह्म का पाठ बजाने वाली आत्मा है, ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा, परम माने ब्रह्मा, कैसा ब्रह्मा? परम माने ऊंचते ऊंच ब्रह्मा, बीज रूप आत्माओं का भी ब्रह्मा अम्मा, तो वो भी तमो प्रधान। क्यों? क्योंकि माता है तो माता ज्यादा नीचे गिरती है या पुरुषों का पार्ट बजाने वाला सुप्रीम सोल नीचे गिरेगा? कौन गिनता है? माताएं देह भान वाली होती हैं, वो नीचे, और खास करके भारत माताएं। तो ये जो भारत है ये मातृ प्रधान देश कहा जाता है, इसमें जो दुनिया की पहली पहली माता है ना परम ब्रह्म है ना, वो परम ब्रह्म ही नीचे गिरने का स्वभाव वाला कैसे प्रभाव में आ जाता है? किसके प्रभाव? भारतवासी प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ ये है कि कोई कम प्रभावित होते हैं, कोई ज्यादा, कोई अंश मात्र प्रभावित होते हैं, प्रभावित तो होते हैं ना। हाँ तो देखो ये आदम वाली आत्मा, बाबा आदम जिसे कहते हैं, अर्जुन कहो, आदम कहो, शंकर कहो, राम बाप कहो, वो आत्मा भी कलयुग के अंत में आते आते
बस प्रभावित हो जाती है शंकराचार्यों से। क्या प्रभावित हो जाती है? क्या? बस सिंध हैदराबाद में जहां 400-500 कन्याएं माताएं इकट्ठी हुई और दिमाग खराब हो गया, शिवो हम, मैं ही शिव हूं। क्योंकि बड़े बड़े धर्माचार्यों ने, विद्वान पंडिताचार्यों ने, गुरुओं ने, गुसाइयों ने वाराणसी में जाकर के दादा लेखराज ब्रह्मा ने पता लगाया, किसी ने उनके साक्षात्कारों का अर्थ बता के संतुष्ट नहीं किया। किसने संतुष्ट किया? मैंने संतुष्ट किया, तो मैं ही भगवान हूं, तो शिवो हम हो गया कि नहीं है। तो भले अंतिम जन्म में जाकर के शिवो हम बनता है, और पास्ट के जन्मों में एक लिंग की उपासना करता है, लास्ट में आकर के आपन कोई भगवान समझ के बैठ गया, तो तमोप्रधान बनेगा कि नहीं? हाँ, तमोप्रधान। बाप ने समझाया ना, आगे तो कहते थे नीति नीति, कौन ये, चाहे व्यास मुनि हो, चाहे सप्तऋषि हो, जो भी द्वापर युग से दाढ़ी मूछ वाले काली काली दाढ़ी दिखाते हैं ना, सफेद दाढ़ी भी, ये विकारी मनुष्य होते हैं कि देवता होते हैं? विकारी मनुष्य। तो ये नेति नेति कहे आए, क्या कहते आए, हम उसके आदि अंत को नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल सच कहते थे ना, आदि में है, जब भक्ति सतो प्रधान थी तो ऐसे कहते थे। क्या क्या कहते थे? हम उसके आदि मध्यंत को और सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, सच कह देते थे भाई। रचयिता और रचना को हम नहीं जानते, और तुम बच्चे अभी समझते हो क्या? रचयिता को भी समझ गए, कौन लिखो एक अक्षर, कौन है? रचयिता को भी जान गए, कौन है? हाँ, क्या लिखता चला जा रहा है, सन्मुख बैठने वाला रचयिता है, सन्मुख बैठने वाले ढेर सारे रचयिता, मुकर्रर रथ, जो मुकर्रर रथ धारण करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वो है रचयिता साकार। रचयिता तो साकार ही होगा ना, गड़ा साकार है तो गड़ा को बनाने वाला कुम्हार भी साकार है, निराकार तो निराकार की रचना करेगा, निराकार शिव ज्योति बिंदु, निराकार आत्मा है तो क्या बनाता है, ज्ञान दे करके आत्मा बनाता है, कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो, आत्मा हो। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे साकार सृष्टि का रचयिता है, नहीं, वो तो जिस मुकर्रर रथ साकार में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो हुआ रचयिता है, और उसका जो बच्चा बनेगा अगले जन्म में बने प्रैक्टिकल साकार रूप धारण करके, या इस जन्म में कोई आत्मा उसके स्वीकार कर ले कि हाँ हम तुम्हारे बच्चा, हम तुम्हारे शिष्य, हम तुम्हारे विद्यार्थी, हम तुम्हारे क्या, तुम हमारे सुप्रीम टीचर, हुआ कि नहीं? हाँ, तो वो रचना हुई या रचयिता हुआ, जो सर झुका जाए, क्या हुआ? रचना हुई ना, तो रचयिता और रचना को तुम बच्चे समझ गए, कौन है रचयिता है? ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखा दिया ना, लक्ष्मी नारायण ऊपर है रचयिता और उनके नीचे खड़ी हुई है रचना, राधा कृष्ण, समझते हो ना? 23/11/1967 की प्रातः क्लास का छठा पे गुरुवार। तो बरोबर तुम्हारे सिवाय, बाबा कहते हैं ना, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी नहीं है, तुम ब्राह्मणों के सिवाय, ये ब्रह्मा और इनके फॉलोअर ब्राह्मण भी नहीं है। हाँ, इनके फॉलोअर ब्राह्मण भी नंबरवार हैं,
कि एक जैसे हैं, हर नंबर वार है। नौकुरी के ब्राह्मण गाए जाते हैं तो एक से एक नीचे हैं कि नहीं? हाँ, बताया उनमें जो तुम ब्राह्मण हो कैसे, खासियत क्या? सन्मुख बैठ करके मुकर्र रथधारी के सामने बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले, जिस मुकर्र रथ में मैं शिव ज्योति प्रवेश करके प्रैक्टिकल पार्ट बजाता हूँ, तो तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है ऐसा जो कह सके कि हाँ हम रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को जानते हैं। माना इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो पहली पहली सतयुगी रचना श्री कृष्ण सोलह कला संपूर्ण है, उस रचना को भी जानते हैं कि वो आत्मा इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर कौन है, पार्ट बजाने वाली कौन है, वो रचना कौन है इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली है? अरे कुछ नाम धाम है कि नहीं? दादा लेखराज ब्रह्मा, ये रचना है। हा? और उसका नई सृष्टि में सतयुग में उस सोलह कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले देने वाले का रचयिता कौन है, बाप कौन है? हा? वो कौन है? बाप वही जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। बीज को बाप कहा जाता है ना। हाँ, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को हम बच्चे जानते हैं, और तो कोई भी दुनिया में हो ही नहीं सकते हैं जानने वाले। कौन से बीज रूप बच्चे? जो रुद्राक्ष के मणकों के रूप में गाए जाते हैं। किसके बच्चे? रुद्र के बच्चे। रुद्र कहते हैं निराकार को। कोई भी नहीं हो सकते हैं जानने वाले तुम्हारे सिवाय। तो फिर ये बिचारे सन्यासी कैसे जानेंगे? हा? कौन से बिचारे सन्यासी? कोई भी हो, सोलह कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा से लेकर के और कलयुग के अंत तक जो भी धर्म पिताएं उतरते हैं सब सन्यासी ही तो हैं। क्या कैसे? संपूर्ण न्यासी, संपूर्ण त्यागी हैं। कैसे? कि जब भगवान बाप आते हैं है, तो भगवान बाप के माता और पिता के स्वरूप को जो कंबाइंड रूप है उसको पहचान ही नहीं पाते। पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते। तो ये बेचारे कैसे कहेंगे कि है, हम सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं या सृष्टि की रचयिता को जानते हैं? तभी बिचारे कहते आए हैं कि हम नहीं जानते हैं, सच्चम सच्च नेति नेति कहते आए। अभी देखो कह देते हैं सर्वव्यापी है? पहले जब है? जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ था द्वैतवादी द्वापर युग से, तो पहले पहले शुरुआत में नहीं कहते थे क्या कि भगवान सर्वव्यापी है? तब एक शिवलिंग सोमनाथ का मंदिर बनाया था कि ढेर के ढेर बनाए थे? एक ही बनाया था, तो उसे ही समझते थे कि जो सोम है, चंद्रमा है, है? उस चंद्रमा का नाथने वाला, नाक में नकेल डालने वाला जो सोमनाथ है वो ही है भगवान का साकार रूप है, गीता का भगवान। तो देखो अभी तो वो सब कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, है? फर्क देखो कितना हो गया। भक्ति मार्ग के आदि में और अंत में जब भक्ति मार्ग तमो प्रधान, दुनिया की हर चीज तमो प्रधान बनती है कि नहीं? तो भक्ति भी तमो प्रधान, जैसे ज्ञान, ज्ञान भी पहले सतो प्रधान फिर अंत में तमो प्रधान बनता। दुनिया की हर चीज सतो से रजो, रजो से तमो में गुजरती जरूर है। तो देखो फर्क हो गया ना। आगे कहते थे ना ये ऋषि मुनि जो हो करके गए हैं दाढ़ी मूंछ वाले है, विकारी थे, मनुष्य थे या देवता थे? विकारी मनुष्य थे,
तो वो भी नेति नेति करके गए कि हम सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते और उसके रचयिता को भी नहीं जानते। जब वो नेति नेति करते गए तभी ये कैसे अपन को बैठ करके श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाए सकते हैं? क्या ये माने कौन, किसकी तरफ इशारा किया? अरे ये हाँ दादा लेखराज की तरफ इशारा किया और इनके जो सहयोगी मुख है ना ब्रह्मा, हाँ उनकी तरफ भी इशारा करके किया। ये कैसे अपन को कहलाए सकते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज? कहलाए सकते हैं? ज्ञान कैसे तमोप्रधान बनता है? उच्चू बा भाई, ज्ञान बाप एक से आता है या अनेक सुनाते हैं? एक से आता है तो तुम एक से सुन रहे हो। जब से ज्ञान में आए बेसिक में या एडवांस में, तब से एक ही से ही सुन रहे हो कि दूसरों से भी सुनते हो, दूसरों से भी प्रभावित हो जाते हो, दूसरों की भी बात मानने लग पड़ते हो? जब मानने लग पड़ते ना, संबंध जुड़ गया ना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी वो है जन्म जन्मांतर की, ये वो है, ये ऐसा है वो वैसा है, तो फंस गए ना। फंस गए कि नहीं फंस गए? तो बताओ अपन को बैठ करके जगत गुरु ये कैसे कहलाए सकते हैं? तमोप्रधान बने कि नहीं? दादा लेखराज भी एक से ज्ञान सुना या सन 47 से जब से उन्होंने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन किया, तो उससे पहले उन्होंने दो और माताओं से भी सुना था। सुना था कि नहीं? सुना था। फिर क्या हुआ, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद किसी और से भी प्रभावित हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? किससे प्रभावित हुए? तो बस उसी की खातिरी करने लगे, बोल भी दिया है ना, सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। क्यों भैया, उसकी खातिरी क्यों होती है? ये विश्व की महारानी बनेगी क्या? फिर पहचान लिया? नहीं पहचाना ना, तो बस बताया ये श्री श्री 108 जगदगुरु कैसे कहलाए सकते हैं। क्या दादा लेखराज अपन को क्या समझते थे? मैं ही माला बनाऊंगा। और अव्यक्त बाप दादा जो है वो मुस्कराते थे, बाप मुस्कराते थे और ब्रह्मा बाबा माला बनाने की बार बार प्रैक्टिस करते थे, शरीर छोड़ने के बाद भी माला बनाने की प्रैक्टिस करते थे और बाप मुस्कराते थे। कौन से बाप? मुकर्र रथधारी द्वारा बाप मुस्कराते थे। मुस्कराएंगे मुख से या बिना मुख के? मुख से मुस्कराते थे। तो ये जगत गुरु कहलाए सकते हैं? कोई भी नहीं कहलाए सकते। जगत गुरु का भी तो अर्थ है ना बच्चे, क्या सारे जगत का गुरु? ये कहते हैं दुनिया में शंकराचार्य गद्दी बनाए बैठे हैं चार चार, तो अपनी गद्दी का बंटवारा तो कर लो कि दुनिया में कितने जगत में हैं, उनमें कितनों के तुम गुरु हो, कितने का दूसरा शंकराचार्य, कितने का तीसरा, कितने का चौथा, कि सारे ही चारों ही मिलके कहेंगे हम जगत के गुरु। अरे जगत का गुरु एक होगा या चार चार होंगे? कितने होंगे? हाँ एक हो। बाप कहते हैं ये तो बने बनाए डुप्लीकेट जगत गुरु हैं। वास्तव में इस दुनिया में सारे ही जो अपन को कहते हैं सर्वव्यापी है, शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा समझ के बैठ जाते हैं, वो सारे ही जगत गुरु हो गए। अब तुम बच्चे तो समझ गए क्या? तुम बच्चों में भी जो मुखिया मुकर्रर रथधारी है वो भी समझ गया कि नहीं? क्या कि मैं शिवो हम नहीं हूं? नहीं। बाप कहते हैं जो अपने को शिव भगवान कहते हैं वो तो है बड़े ते बड़े हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने
तेज, सोने का तेज जिन आत्माओं में रूहानियत टपक रही है, ऐसे दमदमाती हुई चेहरे वाली आत्माओं को है, ऐसी सच्ची सच्ची पवित्र रहने वाली कन्याओं को क्या करते हैं, पा पूरा पी जाते हैं। क्या सन्यासी क्या करते हैं, उनके सामने थाली समाज 36 प्रकार के भोजन बना करके रख दो तो सारी थाली चाट जाएंगे कि कुछ उसमें छोड़ देंगे, नहीं, उसका नाम ही है थाली। अब वो चाहे मन से थाली, चाहे आंखों में आंखें डाल करके थाली, और चाहे कोई कर्मेंद्रिय से थाली, था लेते हैं तो नीचे तक जाते हैं कि नहीं, हाँ गहरे घुसते हैं, तब कहते हैं था ली माने ली, तो नाम क्या पड़ गया, थाली। हाँ, तो वो तो सारी थाली चाट जाते हैं, कौन, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप क्यों कहा, क्योंकि सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माओं के रूहानियत रूपी तेज को ये पूरा चाट के रख देते हैं। ये बड़े हिरण्यकश्यप हैं, जगत गुरु बन के बैठे हैं। अरे जगत माना सृष्टि, सारी सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब माने कि हाँ ये हमारा गुरु है। अरे विधर्मी तो तुम्हें मानते ही नहीं, चारों शंकराचार्य को जो विधर्मी आत्मा इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन है वो मानते हैं, नहीं मानते तो तुम कहां से जगत गुरु हो गए। हाँ वो गाया जाता है ना, भाई ये काम है, हुँ? क्या क्या, ये जो काम को अगर तुमने बस कर लिया, काम विकार को, काम इंद्रियों को वश में कर लिया, तो इंद्रिय जीते काम जीते जगत जीत कहा जाता है, तो जगत जीत बनेंगे। काम को तो जीता ही नहीं, काम इंद्रिय को जीता नहीं है, छोड़ के भाग जाते हो तो तुम जगत जीत कहेंगे, जगत जीत कैसे कहेंगे तुमको। तो जगत माना सारा विश्व, विश्व माने विश्व धर्म। क्या गीता में भी क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, दुनिया में जितने धर्म है, जितने धर्म है सब धर्मों को त्याग दे, मेरी एक की शरण में आ जा, किसी की बात नहीं सुनना, नहीं मानना, किसी से प्रभावित नहीं होना है। तो भी देखो इतना 80 साल से बताते चले आ रहे हैं तो भी क्या करते हैं, छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं कि रुके रहते हैं, भाग जाते हैं। तो अभी जगत जीत कौन है, पूछा अभी, अभी मैंने सन 67 की बात पूछी, और वो ही सन 67 की वाणी वेद वाणी तो कहते हैं हर युग में लागू होती है कि नहीं। हाँ, तो असली वेद वाणी तो ब्रह्मा के मुख से जो मुरलियां निकली वो अभी भी लागू होती है, अभी भी उस वाणी को पढ़ेंगे तो लागू होगी, समय के अनुसार नहीं होगी। हाँ, तो पूछा अभी जगत जीत कौन है, अभी जगत जीत है, देखो कोई लज्जा है, कोई शर्म है, कोई कुछ है, तो हम अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं, है? लज्जा नहीं आती है, जगत जीत बने, काम जीते जगत जीत बने, माया को जीता, माया जीते जगत जीत बने, नहीं है, नहीं बने ना। देखो जो बिल्कुल ही लोएस्ट है, है कौन, बिल्कुल ही पतित है, पतितों में सबसे बड़ा पतित है, नास्तिक। अच्छा देखो जो बिल्कुल ही लोएस्ट है, बिल्कुल ही हाईएस्ट पतित बनते हैं, समझा ना, कौन, कोई बनते हैं कि नहीं है? अरे भूल गए, है जो सबसे है,
जो सबसे, अरे कौन वो बताओ, लंबा चौड़ा चक्कर, जो सबसे पावन बनते हैं, अरे कौन बनते हैं, प्रजापिता आदम, बाबा आदम है जो बनते हैं मनुष्यों के बीच में, नर के रूप में, इंसानों के बीच में सबसे पतित नीच बनते हैं, हाईएस्ट पतित है, समझा ना, उनको समझा कि नहीं समझा, यानी तुम लोग तो आर्डिनरी पतित बनते हो, क्या सामान्य रूप से पतित बनते हो, जो शंकराचार्य अपन को टाइटल धर के बैठे हो, सो तो नहीं अपने ऊपर टाइटल लगाते हो ना कि हम सबसे जास्ती पतित हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे जास्ती नीचे गिरेगा वो जरूर उतना ऊपर भी उठेगा, क्या कहा क्या नियम है, जो जितना नीचे गिरता है वो उतना ऊंचे भी जरूर उठता है, पत्थर को ऊपर फेंक दो क्या, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा या नहीं आएगा, आएगा, तो सो तो अपने ऊपर टाइटल लगाते हो ना ऐसे है, तो वो देखो वो जो इतना समझते हैं, क्योंकि इस समय में सभी तो तमो प्रधान है ना, है कोई कम तमो प्रधान, कोई जास्ती तमो प्रधान, सभी को तो वापस जाना ही है ना, है कहां जाना है, है? इस पतित दुनिया को छोड़ करके, पतन वाली दुनिया को छोड़ करके, जो 16 कला संपूर्ण से कलाहीन बनती है कलयुग के अंत में आकर के, उसे छोड़ करके है कहां जाना है, उस दुनिया में जाना है जो आत्मलोक है, आत्मा का लोक, तुरिया लोक है, ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक में जाना ही जाना है, जहां कोई भी पतित नहीं होगा आत्मा, तो कैसे भी करके जाएंगे तो ना, तो देखो तुम्हारे में दूसरा कोई भी नहीं है, है तुम्हारे में दूसरा एक के अलावा, क्या कहा, अरे तुम्हारे में दूसरा, दूसरा माने एक के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, जो अपन को श्री श्री 108 कहे, क्या, और वो भी जब तक पुरुषार्थ कर रहा है, है तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, कर्मेंद्रियों से, पुरुष अर्थ, आत्मा के अर्थ करने में लगा हुआ है, है? तब तक क्या कहेंगे, पुरुषार्थ संपूर्ण हुआ नहीं हुआ, तो अभी तो वो भी नहीं कह सकता कि मैं श्री श्री 108 जगत गुरु बना हूं, तो बताया आगे चल करके जब संपूर्ण पुरुषार्थ होगा, हाँ तो बताया तुम्हारे में, तुम बच्चों के बीच में भी दूसरा कोई भी नहीं बच्चा ऐसा है एक के सिवाय, जो अपन को श्री श्री 108 कहेगा, ये जो हैं वो अपन को एकदम एक एक श्री और सो मानते रहते, देखो गवर्नमेंट भी उनको मानती है, श्री श्री 108,000 श्री सतानंद जी, क्या क्या टाइटल धराते, नहीं तो है ये सब नालायकी, क्या न वो लायक है श्री श्री 108 जगत गुरु बनने के, और जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं कंट्रोल करने वाले, उन सन्यासियों को भी कंट्रोल करते हैं, नाक पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल रहे हैं कि नहीं, हाँ वो ऊंची ऊंची पे गद्दी में बैठने वाले जो प्रजातंत्र के सरपरस्त हैं, वो सब नालायक, वास्तव में नालायक इसलिए हैं कि अपन को क्या समझते हैं, आत्मा सो परमात्मा, जैसे उनके गुरु लोग समझते हैं आत्मा सो परमात्मा शिव हम, वैसे वो समझते हैं, अपन को नहीं है, अरे अपन का ही उद्धार नहीं कर सकते हैं, तो 108 श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं जो संसार की हैं,
उनका उद्धार कैसे करेंगे? कैसे श्रेष्ठ हैं? सारी दुनिया के जो भी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, सब उन्हें 108 आत्माओं की यादगार माला रूपी संगठन को स्मरण करते हैं, सिमरते हैं या नहीं? अरे सिमरते हैं कि नहीं सिमरते हैं? सिमरते हैं। तो देखो, ये अपन को 108 से ऊपर कहते हैं, हम उनके गुरु हैं। अरे तुम अपनी आत्मा का तो उद्धार कर लो, अपनी आत्मा का ही उद्धार नहीं कर सकते? अपना नहीं गुरु बन सकते हैं तो दूसरे का गुरु कैसे बनेंगे? अपने पहले अपन को तो सुधार लो। आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु स्वयं ही है। पहले तो आत्मा अपना उद्धार करे। क्या बोला ना, ना आत्मानम अवसादयेत, उद्धरेत आत्मा आत्मानम, ना आत्मानम अवसादयेत। माने अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर ले जाना, उद्धार ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए, नीचे गड्ढे में न जाने दे। बार बार गड्ढे की याद आती है, है? अरे वो गड्ढे के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला तो एक ही है, जिसके लिए जो भी यात्री जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, क्या बोलते हैं? गड्ढे वाले की जय। वो एक है, उसके अलावा तो एक भी नहीं है जो श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने के हकदार बने। अब तुम बच्चे तो अपना गुरु बनते हो, पहले किसका गुरु बनते हो? गुरु साकार होता है या निराकार होता है? गुरु तो साकार होना चाहिए, सदगुरु कैसा होगा? वो भी साकार हो तो सदगुरु पहले अपने बनेंगे कि दूसरों के बनेंगे? पहले तो अपना सदगुरु बनना है, है? अपना सदगुरु तुम बनते हो ना, तो देखो मैं तो नहीं तुम्हारा सदगुरु कहा जाता हूं। जब सदगुरु मिला दलाल, दलाल तो साकार होगा या निराकार होगा? साकार होता है ना। तो देखो तुम अपना आप ही ये योग करते हो और तुम खुद आप ही बाबा के साथ चले जाएंगे। क्या? हाँ, आप ही कहां चले जाएंगे? परम ब्रह्म लोक चले जाएंगे या इसी पतित दुनिया में रह जाएंगे, विनाश होने वाली दुनिया में? नहीं, जिस परम ब्रह्म लोक का कभी विनाश होता ही नहीं। पुरुषार्थ कर करके चले जाएंगे या बिना पुरुषार्थ के चले जाएंगे? देह अर्थ करेंगे तो चले जाएंगे? नहीं, पुरुषार्थ करते करते चले जाएंगे। ओम शांति।